हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 20 की, जो कि 3 दिसंबर को iOS और एंड्रॉयड के लिए लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे FS20 और FS18 को और देखेंगे कि दोनों गेमों में से कौन सा गेम जो है ज़्यादा तगड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि कहीं से उड़ती उड़ती हमारे पास आई है, और ये जो है फार्मिंग सिमुलेटर 20 का गेम प्ले है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए इसमें जो है ग्राफिक्स इतने तगड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये बिल्कुल इसके जो कंट्रोल्स हैं और इसका जो है कैमरा व्यूइंग एंगल जो है बिल्कुल FS19 जो कि PC में आता था, PC के लिए अवेलेबल था, उसके जैसे जो कर दिया है। और इसके ग्राफिक्स की बात करें तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। ये जो है फार्मिंग सिमुलेटर 18 है और ये है फार्मिंग सिमुलेटर 20। आप खुद देख सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इसमें जो है आपको ओवर 50 व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो ये लगभग डबल ही है, तो इसमें जो आपको डबल व्हीकल्स देखने को मिलते हैं और जो अटैचमेंट्स हैं वो भी लगभग डबल ही हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं ये गेम जो है कितना बड़ा होने वाला है पहले से। और इसके साइज़ की बात करें तो iOS के लिए इसका साइज़ रिवील हुआ है वो है लगभग 970 MB के आसपास, यानी लगभग 1 GB के आसपास। तो आप लोग कहेंगे हमारे पास तो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के लिए बताइए। तो एंड्रॉयड के लिए अभी इसका साइज़ रिवील नहीं हुआ है, इसका साइज़ जो है लगभग होने वाला हुआ है 500 MB के आसपास, क्योंकि जो है जो FS18 था वो था एंड्रॉयड के लिए 150 MB का, लेकिन जो iOS में था वो था 300 MB का, मतलब डबल। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो FS20 का साइज़ जो है लगभग 500 MB के आसपास होने वाला है। और बात रही कंपैटिबिलिटी की, मतलब ये आपके फ़ोन में चलेगा या नहीं, तो ये देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है FS20। अगर आपके फ़ोन में प्री रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके फ़ोन में कंपैटिबल है और वो चल जाएगा। अगर उसकी जगह रेड मार्क आ रहा है और लिखा आ रहा है जो डिवाइस नॉट कंपेटेबल, तो इसका मतलब जो है आपका फ़ोन में जो है नहीं चलेगा। और जो फार्मिंग सिमुलेटर 18 था इसमें जो है सिर्फ 3 लोग ही मल्टीप्लेयर खेल सकते थे, लेकिन जो FS20 है इसमें जो है 15 लोग एक साथ मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है जॉइंट सॉफ्टवेयर वालों के जो है छोटे मोटे टूर्नामेंट होते रहते हैं इस गेम के ऊपर, उसमें जो है मल्टीप्लेयर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 से सीधा ही 15 पे ये जो है ले आए हैं। और जो है ये गेम फ्री नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पिछले वाले गेम भी थे वो भी जो है पेड थे और ये भी उनकी तरह पेड होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा कि इसे जो है फ्री में कैसे डाउनलोड करें, पर मैं आपको वीडियो के नीचे जैसे मैं गेम प्ले डालूँगा तो उसके नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जो इसकी मॉड APK या फिर जो भी है इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसकी जो है मॉड APK या फिर जो है फ्री वर्ज़न। आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप जो है इसे फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, और मैं जो है गेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो है गेम प्री रजिस्टर हो रहा है या नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो जो है मिलती रहें।